लीनाज किचन, मैं हूँ लीना और आज मैं बहुत ही झटपट रेसिपी बताने वाली हूँ जो सबको बहुत ही पसंद आएगा। वो है कुकर में आप झटपट कैसे दम बिरयानी बना सकते हैं, वो भी बस 10 मिनट में। और मेरे ब्लॉग में बने रहिए। और थोड़ी सी मेरी देखिए तबीयत खराब हो गई है और इसलिए मेरा ब्लॉग नहीं आ रहा था, इसके लिए सॉरी। और चलिए मैं दिखाती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मॉर्निंग में टाइम नहीं मिल पाता है फ्रेंड्स, हस्बैंड का ऑफिस रहता है, चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं, वर्किंग है, तो बहुत ही मतलब मॉर्निंग में आप अच्छी रेसिपी आप नहीं बना पाते हैं और शाम में थके होने के चलते फिर लगता है कि चलो भाई थोड़ा काम करें और सोए। तो क्यों ना मॉर्निंग में हम झटपट रेसिपी एकदम फटाफट बनने वाली दम बिरयानी कुकर में बस 10 मिनट में, और जो बहुत ही यमी बनता है। तो अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए बनाती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं मसाले दिखा दूँ, जिसमें देखिए एक बड़े प्याज है और जितने भी होल स्पाइसेस है, ये तेजपत्ता है, बे लीव्स है, और इसमें देखिए पतले स्लाइस में कटे हुए अदरक एवं लहसुन है, और ये इंडिया गेट बासमती राइस है जिसे मैंने धो करके देखिए रख लिया है छान करके। और उसमें मैंने देखिए 1 kg चिकन है, इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। सबसे पहले फ्रेंड्स हम चावल को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे घी या बटर में। देखिए मैं बटर यूज़ कर रही हूँ। इसे देखिए मैंने धो के अच्छी तरह से छान लिया था चावल को, और बिल्कुल इसे हल्का गुलाबी फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल हल्का सा नमक ऐड करेंगे इसमें। जब तक हमारे चावल फ्राई हो रहे हैं, आइए मैं इधर से चढ़ा देती हूँ, तब तक चिकन भी हम इधर फ्राई कर लेते हैं। आइए सबसे पहले इसमें हम तेल डाल देते हैं। ये सर जीरा है, पतले स्लाइस में कटे हुए देखिए अदरक लहसुन है, इसे भी डाल देंगे।
देखिए जब प्याज अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें फिर हम रेड चिल्ली पाउडर 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और 1.5 टर्मरिक पाउडर, और ये सारे मसालों को अच्छी तरह से हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट तक। उसके बाद देखिए मैंने चिकन को अच्छे से धो के रखा था, उसे डाल देंगे और मसालों के साथ अच्छी तरह से हम 1 मिनट तक भूनेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद ये देखिए बिरयानी मसाला पाउडर है इसे, और ये काली मिर्च है, काली मिर्ची को दरदरा हम कूट लेंगे। और भुने हुए चिकन में डालेंगे ये करीब 2 टेबल स्पून, और देखिए बिरयानी पाउडर है इससे मैंने करीब 4 टेबल स्पून डाला है, और सारे मसालों को फिर से अच्छी तरह से भूनेंगे। उसके बाद देखिए ये चावल जो मैंने भून लिया था पहले, उसे डाल करके चिकन के साथ भी 1 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। देखिए इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे, और देखिए ये गरम मसाला पाउडर है इसे करीब 2 टेबल स्पून ऐड करेंगे एवरेस्ट का, और पानी हम उतना ही डालेंगे जितना तक ये हमारा चावल और चिकन अच्छी तरह से इसमें डीप हो जाए, और 2 व्हिसल आने तक इसे हम वेट करेंगे। और ये देखिए केसर है, और देखिए इसे दूध के साथ मिलाएंगे और 2 चम्मच इसे भी डालेंगे। और थोड़ा सा बटर भी मैंने डाल दिया है, और ये केसर वाली दूध भी डाल देंगे, और कुकर का ढक्कन अच्छी तरह से लगा करके 2 व्हिसल आने तक इसे छोड़ देंगे। तब तक चलिए मैं चटनी बना लेती हूँ, और ये चटनी के लिए मैंने देखिए ये धनिया की पत्ती लिया, इसे अच्छी तरह से धो के काटने के बाद ये देखिए ये ग्रीन चिली है, और अपने टेस्ट के अनुसार कितना तीखा खाना चाहते हैं, और थोड़ा सा मैं इसमें ये देखिए धनिया की पत्ती, हरी मिर्च 2 बड़े चम्मच दही ऐड करूँगी, और स्वाद के अनुसार नमक, और इसे अच्छी तरह से पीस लें। कि चटनी हमारी तैयार हो गई है, और चलिए चटनी तो बन गई है, थोड़े से मैं सैलड तैयार कर लेती हूँ। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता, किचन में इधर उधर सामान बिखरा मैं साफ भी करती जाती हूँ। और देखिए इसके लिए चलिए थोड़ा सैलड भी काट लेती हूँ, और देखिए तो हमारी बिरयानी में 2 सीटी भी हो गई है। और तुरंत कुकर का कैप आप नहीं खोलें 5 मिनट के बाद। मेरी दम बिरयानी बनकर के तैयार हो गई है, और इसे मैं सर्व करूंगी ग्रीन चटनी विद सैलेड के साथ। वाच मोर रेसिपी ऑफ लीनास किचन, जहाँ पे वेज और नॉन वेज के बहुत सारे रेसिपी आप देख सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।